दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी टीम को कैसे दूसरी कंपनी में जाने से रोकें। मैं अपने 6 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे टीम बनाए कि लोग छोड़ कर ना जाएं। इस वीडियो का थीम ही दोस्तों यही है कि कैसे टीम बनाए कि लोग छोड़ कर ना जाएं। दोस्तों, जो टीम होती है ना वो आपसे चलती है, मतलब टीम एक लीडर से चलती है। और लीडर की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल लीडर की सबसे अच्छी ताकत होती है। और दोस्तों, कबीर दास का बहुत अच्छा दोहा है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तामुख मार आनी। मतलब कि अपनी जो बोली है उसको बोलकर पहले तोलिए फिर बोलिए। दोस्तों, इन शॉर्ट में कहूँ तो अपनी बोली को पहले तोलिए फिर बोलिए कि आप बोलने के वाले हैं, इससे सामने वाले को हर्ट होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ देखकर फिर बोलिए। दोस्तों, टीम को अपने साथ जोड़कर रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है, वो पता है क्या है कि डोंट टीच योर टीम विदाउट देयर परमिशन। मतलब कि अपनी टीम को बिना परमिशन के, बिना सहमति के कुछ मत सिखाइए, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हो। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या कहता है कि हर कोई यहाँ पे आज़ाद इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है। दोस्तों, कोई किसी का मालिक नहीं है, ना ही कोई किसी की मिलकियत है यहाँ पर। दोस्तों, सीखने के लिए इंसान को तैयार होना पड़ता है, तो अपनी टीम को पहले तैयार करिए, फिर उसके बाद लर्निंग दीजिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि गिव योर टीम लव एंड रिस्पेक्ट। मतलब कि अपनी टीम को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। कोई भी इंसान दूसरे इंसान से यही चाहता है कि सामने वाला इंसान मेरी इज्जत करे, मेरी बात को सुने। उसी तरीके से आपको एक अच्छी टीम बनाने के लिए सामने वाले को सम्मान देना पड़ेगा, अपनी टीम को सम्मान देना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारे मैं लीडर्स को देखता हूँ कि अपनी टीम बुराई करते हैं, किसके सामने? अपनी टीम के सामने। तो ऐसा करने से सबकी इज्जत खराब होती है और टीम जो होती है ना उसमें गलत कल्चर चला जाता है और कल्चर क्रिएट्स मोमेंटम। दोस्तों, ऐसा लीडर बनना है कि जिससे लोग जुड़ कर रहे, ना कि जूझ कर रहे। लीडर्स, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इज ए प्रेज। मतलब कि सबसे बड़ी जो गिफ्ट होती है ना, सामने वाले की प्रशंसा होती है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि रेज योर टीम। मतलब कि अपने टीम को सामने आने दीजिए। अब दोस्तों, हो सकता है पूरे टीम में जीनियस हो, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन फिर भी अपने टीम को सामने आने दीजिए कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ। क्योंकि अब देखो, कोई इंसान तभी किसी के साथ रहता है जब उसकी वैल्यू होती है। बात ये नहीं होती है, देखो इस वीडियो के अंदर बात, देखो टीम जब छोड़ के जाती है तो बात ये नहीं होती कि हाँ वो कंपनी के प्लान अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छा था। हर कंपनी में एक USP होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मतलब कि हर एक कंपनी का एक अपना वो होता है, अट्रैक्टिव पॉइंट जिसको कह सकते हैं आप, AP। तो वो हर कंपनी का होता है, आपकी कंपनी में भी होगा, मेरी कंपनी में भी, हर कंपनी में होता है। तो वो देखिए और वो चीज़ अपनी टीम को सिखाइए, जिससे कि आपकी टीम उस पर रिटेन रहे, भागे ना। और दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि अपनी टीम को कोशिश करिए कि उनका पैसा जल्दी आए। दोस्तों, सबसे मेजर जो पॉइंट होता है वही यही होता है कि पैसा नहीं आता, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कोशिश करिए कि आपकी जो टीम है उनमें पैसा आए, वो पैसा जल्दी कमाए, टाइम टू टाइम कमाए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको नई नई वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक कीप इन टच।